वृंदावन में अगर कण मात्र भी ऐश्वर्य भान हुआ तो वृंदावन तत्व तुमसे दूर चला जाएगा, क्योंकि वृंदावन क्या है, वृंदावन इज अ कॉन्शियसनेस, चेतना है, वृंदावन स्थान नहीं है, वृंदावन चेतना। जब जाते आते ना दौड़ दौड़ के वृंदावन, फिर वृंदावन, फिर एक महीने की परिक्रमा वृंदावन, तो वृंदावन तो आप जाएंगे लेकिन वृंदावन में आप वृंदावन को देख नहीं पाएंगे, क्योंकि वृंदावन चेतना है, द स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस चेतना है, है ना। इसीलिए वहां जाते हैं तो बंदर लोग चश्मा उतार लेते हैं, कहते हैं कि इन भौतिक नेत्रों से तुम्हें वृंदावन नहीं दिखेगा, अगर देखना है तो कैसे दिखेगा वृंदावन, ये चश्मा हटाओ, ज्ञान चक्षुषः, ज्ञान का चक्षु लगाओगे तो वृंदावन दिखेगा। वृंदावन चेतना वस्तु है, आंखों से धरातल से दिखेगा नहीं। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम, बहुत ही चिंतामणि धाम है, जो चिंतन मात्र करेंगे वो प्राप्त हो जाएगा, रमणीय स्थान है। और हमको टूटी सड़क दिखती है, यूपी डेवलपमेंट अथॉरिटी पर हम बोलते देखो ये बना नहीं रहे, या फिर बहुत बिल्डिंग बन गई है, आपने प्रभु जी फ्लैट बुक किया कि नहीं किया अभी तक, हम सोच तो रहे ले लें एक फ्लैट, है ना, फिर उसमें LCD लगाएंगे, नीचे कार रखेंगे, स्कूटी रखेंगे, आने जाने में मदद हो जाएगी। वृंदावन नहीं है। गोस्वामी कहाँ रह रहे हैं वृंदावन में, फ्लैट में, वो पेड़ के नीचे फ्लैट हो जाते हैं, हाँ फ्लैट नहीं बनाते, पेड़ के नीचे फ्लैट होकर लेट जाते हैं आराम से मजे से, और जो मिल जाए भिक्षा में वो पात्र में पा लेते हैं। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।